हमारे घर का सलमान खान जा रहे हैं अपने शौहर को ढूंढने के लिए। अभी फाइनली हमारे यहाँ की जो पहाड़ियाँ है ना वो टूट गई हैं, ठीक है, और अब हम वेलकम करेंगे दोबारा बारिश का कि वो दोबारा आके हमारे घर को भिगा दे। ये देखें अभी दोबारा लगेंगी जब दोबारा बारिश होगी, और अगर बारिश हमें बताए बगैर आ गई हमारे घर को अपने साथ भिगा के ले गए। तो मजाक है क्या? चलो आसानी तो हो गई, चढ़ने उतरने में बहुत मुश्किल हो जाती थी, पाँव ऊपर करके पत्थर पे रख कर और इस तरह चढ़ना पड़ता था। अच्छा मैं जा रही हूँ ऊपर देने के लिए अपने हस्बैंड को, उनका नाश्ता है ये। नए नाश्ते के साथ उमर रेडी है। उमर नाश्ता कर रहा है। आज मैंने इसको अंडा पराठा बना के दिया, पराठे के अंदर ही अंडे को डाल दिया इस तरह करके। तो आज फिर मैंने झटपट वाला काम किया और मैंने बनाई है, क्या बनाई है मैंने? मैकरोनी। आपको आना होता है व्लॉग में और फिर इतनी सुस्त होती हो तो फिर कौन देखेगा आपको? आपकी फ्रेशनेस सारी खो गई है, बीमार हो गई हो। तो अब आप ठीक हो? नहीं, क्योंकि अभी ट्यूशन और मदर से जाना है ना, इस वजह से आप ठीक नहीं हो। अभी आपको टीवी देखना होता है, मोबाइल देखना होता है, तो अभी आप बिल्कुल ठीक होती है ना? बोलो हाँ, यही बात है, बोलो। ये मेरी काम वाली मासियाँ, दो दो मासियाँ रखी हैं मैंने काम के लिए, मुंह बना बना के काम करती है दोनों। और ये हमारे घर का सलमान खान, सो कपड़े नहीं पहनने होते। इधर आओ। एक आज मम्मा और उमर सेम से हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। उमर ए सलमान खान मेरे बॉडी बॉडी के बगैर कौन सा सलमान खान होता है? उमर बॉडी भी नहीं है आपकी तो। चलो हाथ जोड़ के मैं कपड़े पहनो, कपड़े पहने। चलो अब मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ। तो हम निकल चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए। ये है उमर का दूध और उमर बैठा है आगे। हमारा ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं वापस घर पे। कहाँ हैं? अरे भाई वो रहे, आ रहे हैं, चलो आओ। है ना आपके पास ये अब आए हैं जिसको याद है कि आपने गिराया है इसको पलंग से। आप होश में तो नहीं थी ना? तो अभी बस हम जा रहे हैं, मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं अपने शौहरों को लूटने के लिए। अभी मजा आएगा ना, अच्छी खासी शॉपिंग करके आएंगे क्योंकि बहुत अच्छी फील लगी। आ गए डॉलमेंट मॉल, अब हम अपने शॉल्डर पैसे उड़ाएंगे। अब हम सही करना है ना, मैं अपना जैसा ही अरे स्टार्ट किया हुआ है मैंने उसको अभी भी रेडी। नहीं मेरे पास खराब है। अभी और सुनिए, ये मैं डालूंगी इसमें ये ब्लॉग में आने के लिए कि कितना तैयार हो रही है। हो गई रेडी, अब बोलू बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ तो हम अभी को गए, हमें कुछ समझ नहीं आया, इसको समझ नहीं आया और आज भी नहीं आया। और आतिका तुम चलो, ठीक है अभी हम और शॉपिंग करेंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और अभी हम उड़ा लेंगे, फिर माशियाना नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। हाँ कैमरा ये कर लो पहले। तो हम वेट कर रहे हैं हमारी बारी का। फाइनली एक ड्रेस मिल गया है, नहीं दो, एक ट्राउजर और एक। अकेले के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिला रही है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है इसने मेरा। एक टिप, जब भी शॉपिंग करने जाओ शोहर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाओ, ताकि वो आपकी शॉपिंग देख के जो है ना ज़्यादा बोल ना सके। जब खुद की शॉपिंग देखेगा तो वो खुद ब खुद खुश हो जाएगा। क्या हुआ, जवाब दिया इसने? हेलो मोमिना, ये मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा है। कौन अजूबा आ गई है मेरे सामने अचानक से। अब हम घर जा रहे हैं, तुम देखोगी पीछे अपने आप को सेट करोगी पहले। तैयार बोल रही थी कि अब हम वापस जा रहे हैं, हमें ये सब कुछ
इसे मुझे कुछ दिलाया भी नहीं, हालांकि मुझे लेकर आई, मुझे लगा शायद कुछ दिला देगी, रहम आ जाएगा मेरे ऊपर। तरीका है भीख मांगने का, कुछ मैं टाइटल भी यही लगाऊंगी, नहीं दिलाने मेरे साथ बहुत बुरा किया, कुछ भी नहीं दिलाया। तो हम लोग गए थे शॉपिंग पे, ठीक है, सिवाय मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं आके सो गई थी। यार बंदा जब खुद के लिए शॉपिंग करने जाता है ना, तब तो वो एकदम अलग सा फ्रेश हो जाता है, लेकिन जब वो खुद के लिए कुछ लेता नहीं ना, तो एक अलग सी थकान हो जाती है मूड ऑफ की वजह से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? खैर ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह। Okay.